अच्छा बच्चा है हमारा ट्रिको, है ना, दांत क्लीन कर रहा है। दिखा ना पापा, अभी तो किया ना तूने, अभी तो किया ना तूने ब्रेड, अभी क्यों भाग रहा है ये पता नहीं। सगा मंडली, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है आदित्य बालरा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज हम ड्रेको के साथ क्या करने वाले पता है? एक सेकेंड, आज मैं ड्रेको को दांत मतलब उसके टीथ क्लीन करने वाला हूँ। तो उसके लिए लाया है मैंने ये, एक मिनट, इसमें आपको उल्टा दिखेगा। हाँ उल्टा ही दिख रहा है आपको। तो उसके लिए मैंने ये लाया है, क्या है इसका नाम, डेंटा पेस्ट सो स्ट्रॉन्ग टी ट्री ऑयल, ये उसका टूथपेस्ट लाया मैंने। और ये देखो कितना एक्साइटेड हो रहा है। तो गाइज आप इसके अलावा मैं और आपको टूथपेस्ट के नाम बताना चाहूँगा, एक आता है बिफार कंपनी का और एक आता है वेयरबैक कंपनी का। तो ये दोनों भी अच्छे है, अच्छा ब्रांड है टूथपेस्ट के लिए, मतलब बाकी चीज़ों के लिए भी अच्छा ब्रांड है, तो आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे जो लोकल स्टोर है वहाँ पे वो अवेलेबल नहीं था और मुझे उसके दांत क्लीन करने की वो चुल मच गई थी कि मुझे देखना था कि ये करने देता है या नहीं, तो मैंने ये वाला लाया है इसके लिए। तो मैं आपको बिफार के टूथपेस्ट का और वेयरबैक के टूथपेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर लेना और अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ से बाय कर लेना, ठीक है। तो अभी ये तो शांत बैठ रहा नहीं है, मैं इसमें से आपको टूथपेस्ट निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं इसको अभी अनपैक करूँगा, देख आपको दिखाता हूँ। नाखून लग गया इसका, ड्रेको दो मिनट शांत रहे, दो मिनट। तो मैं अभी इसमें से आपको दिखाता हूँ क्या क्या निकलता है। देखो रुक जा तू, बैठ जल्दी, क्यों मस्ती कर रहा है इतना? तो ये है इसका टूथपेस्ट और इसके साथ मुझे मिला है ब्रश फ्री। तो इसका ब्रश भी दिखा देता हूँ मैं किस तरीके का है, हम जैसा नॉर्मल यूज़ करते हैं ब्रश वैसा नहीं है, ये देखो इस तरीके का ब्रश है, ये उंगली में डालना पड़ता है और डॉग के टीथ क्लीन करना पड़ता है। तो ये देखो, तो अभी हम देखो कि इससे टीथ क्लीन करेंगे। उसके पहले मैं ये अंगूठी निकाल लेता हूँ क्योंकि इसको लगनी नहीं चाहिए। तो ये मैं पहले पानी से साफ कर लूंगा क्योंकि ये इसके मुंह में जाएगा, तो मैं अभी इसको पहले साफ करके लाता हूँ। तो गाइस ये ब्रश कुछ इस तरीके का है, इसमें ना ऐसे गैप गैप है, ये किसी के भी उंगली में इजीली फिट हो जाएगा, मतलब उंगली छोटी रहे या चाहे बड़ी रहे इजीली किसी के भी उंगली में एडजस्ट हो जाएगा। अबे ड्रेको दो मिनट रुक रहे, बाबा तेरे लिए ही है, दो मिनट रुकना, शांत तो बैठ। गाइस अभी ये देखा आपने कितना तड़फड़ करता है। अभी कैसा है गाइस, मैं कैसा मराठी साइडर हूँ, मैं हिंदी साइडर हूँ नहीं, तो मेरे है ना बोलने में कभी कभी मराठी वर्ड्स आ जाते हैं, मुझे एकदम से नहीं समझता कि हिंदी में क्या बोला जाए, तो आप उतना कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो अभी ये ले लेता हूँ मैं ब्रश के ऊपर। ड्रेको दो मिनट रुकना भाई। तो ये ले लिया मैंने, अभी आपको दिखाता हूँ मैं इसको। आप तो समझ गए होंगे ये इतना तड़फड़ करता है, क्या बोलते हैं हिंदी में बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। हाँ फड़फड़ाता है, इतनी एक्टिवनेस दिखाता है ये कि मुझे ढंग से वीडियो भी नहीं बना देता है। तो आ जाओ ड्रेको, आपके दांत क्लीन करा देता हूँ। आपको ना गाइस स्टार्टिंग में ऐसा प्रॉब्लम आएगा ही,
पूरा पेस्ट खा रहा है ये। कैसा लगा तेरे को टेस्ट? और अच्छे से क्लीन कर लेंगे ना हम। दिखा अभी इसको टेस्ट पसंद आ रही है। देखो जब हम इसका ब्रश करा देते हैं ना, तब इसका जो टूथपेस्ट है इसके मुंह में भी गया तो भी चलता है। ये खा सकते हैं ये लोग। हमारा ऐसा नहीं है कि हमने ब्रश किया तो इनका गुल्ला करना जरूरी है, तो उसका टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो अभी चलो बाकी के भी दांत क्लीन करके देखते हैं करने देता है या नहीं। देखो इधर आओ, आ जाओ इधर, देखो इधर, देखो इधर, साइड से साइड से। तू चिकन खाता है ना तो इधर चिपकता है। गुड बाय। अच्छा बच्चा है हमारा ट्रिको, है ना, दांत क्लीन कर रहा है। वो ब्रश को पकड़ने के लिए देख रहा है। इधर की इधर की इधर की। ब्रश पकड़ लिया था अभी इसने। देखो कितने पीले पीले दांत हो गए रे तेरे। बाप रे, लोग क्या बोलेंगे, इनका डॉग बहुत गंदा है बोलेंगे, इतने पीले पीले दांत दिखेंगे तो। अच्छे व्हाइट व्हाइट दांत दिखना चाहिए ना। हट रखो, और पेस्ट ले लेता हूं मैं। दांत क्लीन कर रहा है, आ जाओ। इधर आ, पास में आओ, पास में आओ बेटा। गुड बॉय। गिरा दिया मेरे शर्ट पे। इधर आ। दिखा ना बाबा, अभी तो किया ना तूने, अभी तो किया ना तूने ब्रेड। अभी क्यों भाग रहा है ये पता नहीं। आ जाओ ड्रैगो, इधर आओ। अभी क्यों भाग रहा है पता नहीं यार। आप ये लो, आ जाओ ये लो, लो जल्दी लो। मेरे को तुझे गंदा रहना है क्या, दांत क्लीन नहीं करना है क्या? हाँ ए देखो देखो, तुझे दांत क्लीन नहीं करना है। हाँ बैड बॉय बनना है क्या तुझे? इधर आ जल्दी, इधर आ। खा रहा है वो। अभी धीरे धीरे अगर आप अपने डॉग को ऐसे हमेशा अगर दांत क्लीन करने दोगे ना गाइस, तो धीरे धीरे आदत लग जाएगी, फिर वो इजीली दांत क्लीन करने देते जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो आपको ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है, हर हर किसी को ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो गाइस हो चुके इसके दांत क्लीन। आप इसको वीक में एक दो बार या फिर डेली भी कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
तो मैं तो वीक में एक दो बार ही करूँगा क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है इसके दांत क्लीन करने में। अभी शायद स्मेल नहीं आएगी क्योंकि आपने देखा होगा ये लोग चिकन वगैरह खाते हैं, फूड वगैरह खाते हैं, तो उनके मुंह से थोड़ा स्मेल आती है। तो अगर आप इस तरीके से इनके दांत डेली क्लीन करते जाओगे तो स्मेल वगैरह नहीं आएंगे। तो हाँ, मुझे तो बहुत थका दिया, वो भी देखो पूरा थक गया, बैठ गया वहाँ पे। उसको शायद टूथपेस्ट की टेस्ट बहुत पसंद आई है। तो हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टूथपेस्ट से लोग खा सकते हैं तो उसमें का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आपको मैंने जो दो ब्रांड बताए वो इसमें बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, मैंने तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके चेकआउट करके वो बाय कर सकते हो। ये तो मैंने ऐसे ही लेके आया था क्योंकि वह मैंने आपको बताया पहले ही, मेरे में चूल मची थी कि आज इसके दांत क्लीन करके देना है। तो गाइज़, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइज़, आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़, मैं आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।